अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चला रहा है, ठीक होंगे। आज की ये वीडियो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं एंड इस वीडियो में एकदम कतई गलत ग्लिचेस होने वाले हैं। चार बंदे बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर मैं लैंड करता हूँ एंड ये बंदे यहाँ पर पागलों की तरह मेरे ऊपर पुश करने की सोचते हैं। अरे भाई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। जल्दी से यहाँ पर किट मार लेता हूँ, बाकी के बंदे भी पुश करने की सोच रहे हैं। यल्ला हबीबी, गुड लॉबी माय फ्रेंड। साथ ही तुम्हारे भाई को यहाँ पर इमोट भी मिल जाता है। इमोट करते हैं, जल्दी हमारे अगले क्लच के ऊपर। तुम्हारा भाई फिर से क्लीन से लैंड होता है, नीचे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन ओ भाई हैकर और वर्ड क्या हेड मारा यार बंदे ने। जल्दी से यहाँ पर किट कर लेते हैं, इससे पहले यहाँ पर नेट मोली है तो जगह चेंज करते हैं। ये गाइस, तीनों लंडे यहाँ पर घुटनों के नीचे आ जाते हैं। मैं चौथे बंदे को यहाँ पर तलाश कर रहा था इधर उधर प्यासे कव्वे की तरह, बट मुझे चौथा बंदा इनका नहीं नजर आता, तो मजबूरन मुझे इनकी यहाँ पर पेटियाँ बनानी पड़ती है। तो चलो जल्दी से आप इनकी पेटियाँ बना लेते हैं। जैसी पेटी बनाता हूँ तो यहाँ पर मुझे चौथे बंदे का फायर आता है। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा था इनका चौथा बंदा होगा, तो मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट मारकर सीधा चला जाता हूँ और देखो यहाँ पर क्या होता है। भाई भाई ये क्या था यार, स्क्रीन एकदम से झटका मार जाती है। इसको फिनिश करता हूँ, क्लीन उठाता हूँ, साथ ही मुझे एक और बंदा नजर आता है और ये बंदा पता नहीं कैसी डीपीपी ले रहा होता है, शायद से इसने हेडफोन नहीं पहने होते, इसको मेरा साउंड नहीं आता। सामने बंदों की हियरिंग आती है तो मैंने कहा चलो पुश करते हैं। अरे भाई भाई ये क्या था यार। खैर लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्लच। अरे भाई मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, टांगे कांप रही है। टेंशन नहीं लेनी बंटी भाई, तुम्हारा भाई है ना इधर। भाई साहब 1 HP के ऊपर मैं तीसरे बंदे को ले गया। लास्ट बंदा जो इनका ना काफी कमजोर दिल का है बेचारा, उधर ही खड़ा हो जाता है, अपने टीममेट को रिवाइव देने के चक्कर में होता है। इतनी देर में यहाँ पर किट लगा करना, मैं इसको पकड़ने की सोचता हूँ एंड देखो। आइए यल्ला हबीबी, गुड लॉबी माय फ्रेंड। अब यार आप लोगों ने काफी ज्यादा स्कार्ट देखे होंगे, अच्छा खेलते हुए, लेकिन ये डुओ भाई साहब कतई गलत खेल रहा था। और मजे की बात ये डुओ एक कपल था, मतलब एक लड़का और एक लड़की। तो देखो यहाँ पर सामने बंदा नजर आता है, मैंने कहा चलो इसके ऊपर नेट करते हैं, ये भी मेरे ऊपर नेट कर रहा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ। भाई क्या गलत डैमेज दिया यार इसने एंड अगर तुम लोगों को मैं बोलूँ ये लड़की है तो तुम लोग नहीं मानोगे, मुझे पता है। तुम लोग बोलोगे यार लड़का होगा ना, मतलब लड़की के नाम पर, लेकिन नहीं, ये आल पर भी आवाज़ आएगी तुम्हें। उससे पहले यहाँ पर मैं किट लगाता हूँ, मैंने कहा अब सही टाइम है, चलो पुश कर दें। भाई देख रहे हो ये अरबी लड़कियां भी कितना खतरनाक खेलती हैं। अब देखो तुम्हारा भाई यहाँ पर आल के ऊपर करता है तो यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आती है।
हाँ भाई, क्या देख रहे हो? बस इतनी आवाज थी, उसकी हंसी से ही पहचान गया कि यार वो लड़की है। अब एक्सपीरियंस बोलता समझा करो, बात को ना निकला करो रात को। तो और कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, इनकी बोलती तो हो चुकी थी बंद। तो अब एक यहाँ पर मरने वाला होता है, मतलब खुद ही मर जाता है। तो मैंने कहा जा सनम, तू भी जी ले अपनी जिंदगी साथ, मैं इसको भी यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लेके आ चुका था केलिन, और केलिन के नीचे मुझे तीन चार बंदे दिखते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर उतरते हैं। हाँ ये गैस, तो यहाँ पर इनके ऊपर भी हो जाता है 1v4। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्लच के ऊपर। अब दोबारा भाई यहाँ पर जाता है बगी लेकर, सामने मुझे बंदे नजर आते हैं ऊपर उड़ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मुझे लगता है कि शायद से ये मेरे ऊपर उतर जाएंगे जैसे मैं बंदों के ऊपर कलीन लेकर उतर जाता हूँ। लेकिन भाई हर कोई मेरी तरह अंधा थोड़ी ना खेलता है, तो इसीलिए ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी के साथ दूर उतरते हैं एंड दूर से फाइट लेने की सोचते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम उधर जाओ, बस उधर जाओ। ओके, तो ये उतर चुके हैं। अब मुझे समझ लग गई थी वो दूर हैं, तो मेरी बगी को ऑफकोर्स फोड़ देंगे ताकि फिर मैं पुश ना कर पाऊँ उन लोगों के ऊपर। तो इसलिए मैं बगी को कवर में लगा देता हूँ एंड फिर यहाँ पर इनको स्पोर्ट करने की ट्राई करता हूँ। ओए होए होए, बस इतू सा बंदा बचा था, एक दो गोली की मार थी। तो मैंने कहा चलो देखा जाते हैं बगी और करते हैं दे मार 4.5। अब मैं निकला ओ बगी लेके, रस्ते में एनमी आया, फिर मैं उठे उन्हें लम्या पाया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ सो गाइस, यहाँ पर इनको नो की छोड़ता हूँ। इनका जो तीसरा बंदा है थोड़ा सा लेट आता है अपनी गाड़ी लेकर, हीरो एंट्री मारता है इनको बचाने के लिए। लेकिन इस बेचारे को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है एंड तुम्हारा भाई दे जगल बेचारे को टच भी नहीं करने देता और यहाँ पर फेल देता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को कर देना लाइक, न्यू तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। एंड गाइस बढ़ते हमारे अगले क्लच के ऊपर एंड तुम्हारा भाई यहाँ पर, ओ भाई तुम्हारे भाई ने बंदे को नॉक कर दिया। अब नॉक करने के बाद मैंने उठाई गाड़ी और इसके बाकी के बंदे जो थे बिल्कुल मेरे सामने। अब गाइस यहाँ पर दोनों तरफ से गोलाबारी होने वाली है, इतनी देर में आप लोग से थोड़ी सी गप्पे कर लेता हूँ। तो देखो गाइस, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, आपको पता होगा मैं गाँव गया था, पूरे 7 दिन रहा हूँ और वहाँ पर इंटरनेट ना के बराबर, आई मीन पूरे इंटरनेट क्वालिटी है। तो वहाँ पर मैं गेम ओपन भी नहीं किया ना ही खेला है। तो अब से तुम लोग को रेगुलर वीडियो जो है पबजी की देखने को मिलेगी एंड जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था आप लोगों ने देखा, अगर जिसने नहीं देखा तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। एंड कुछ लोग कह रहे थे कि यार फालन तू भी अब बाकी की तरह व्लॉग पे चला जाएगा, पबजी छोड़ देगा ये वो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं 4 साल बाद गया गाँव, तो मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं एंड आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं लाइक गाँव की ब्यूटी। तो बाकी व्लॉग वाला फिलहाल सीन नहीं है, बाकी गेम प्ले आते रहेंगे। तो चलो यार बंदों के ऊपर पुश कर लेते हैं टेलीपोर्ट से। आई ये गाइस, तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिए। दो में रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।